नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर का अब तक का काम को पूरा दिखाने वाला हूं और इसे बनाने में टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जो घर का काम किया जा रहा है उसका काम आप देख सकते हो, तो जो लिंटल लेवल पे कॉलम का कास्टिंग है वहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है। कुछ कॉलम का थोड़ा कम भी यहाँ पे कास्टिंग किया गया है। इसे बनाने में कितना रुपए का खर्चा लगा इसके बारे में आपको तो मैं बताने ही वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस घर का जो अब तक का काम किया गया, जैसे कि कॉलम है, बीम है, उसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ और किस तरीके से आप कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो, एक छोटा स्पेन के लिए कॉलम का इस्तेमाल क्या करना है, बड़ा स्पेन के लिए कॉलम का इस्तेमाल क्या करना है, इसके बारे में भी आप लोग को मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो इस घर का जो सबसे शुरुआत में काम किया गया, मतलब जो कॉलम के लिए फुटिंग बनाया गया, पहले उसके बारे में बताऊंगा, फिर आपको आगे का जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो इस घर के लिए जो कॉलम के लिए जो फुटिंग बनाया गया, सबसे पहले उसका बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो मैं पीछे की तरफ आ गया हूँ और यहाँ पर जो फुटिंग रखा गया है वो 3.5 फीट x 3.5 फीट का फुटिंग रखा गया है। उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा बड़ा गड्ढा करने की ज़रूरत होता है, तो 4 फीट x 4 फीट का गड्ढा खोदते हुए यहाँ पर 3.5 फीट x 3.5 फीट का फुटिंग लगाया गया। इस तरीके से कॉलम बोर्न होते हुए ऊपर आया। और बात किया जाए कि ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर यहाँ पर काम किया गया है, तो अभी आप देख सकते हो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर में जो जोराई की बात किया जाए तो लगभग 5 से 5.5 फीट के आसपास में यहाँ पे जोराई किया गया है ग्राउंड, जो ग्राउंड है लेवल उसके ऊपर में, और इसके लगभग 1.5 से 2 फीट नीचे से यहाँ पे जोराई करते हुए आ गया। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कुछ ज़्यादा ना लगे इसके लिए यहाँ पे अवेलेबल था जो पत्थर वाला ब्रिक आता है, ये देख सकते हो, जो पत्थर का ईंट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसका जो कंपाउंड वाला उसे दिया गया है। ये घर के लिए, देखिए ये घर के लिए दीवार नहीं है, यहाँ से आप शायद अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। ये देखिए घर के बाहर की तरफ लगभग 3 फीट का ऑफसेट एरिया लिया गया है। ये देखिए यहीं तक आपका घर का जो बीम है वो लगाया गया है, इसके बाहर 3 फीट का ऑफसेट एरिया लगाया गया है, तो कंपाउंड वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो घर का भी काम किया गया है वहाँ पर भी आप देख सकते हो इसी ईंट का प्रयोग किया गया है। तो आपको भी जब आपने घर बनाते हो तो जो आपके अगल बगल जो संसाधन मौजूद है तो वहाँ पे आप उसका प्रयोग करते हुए कुछ कॉस्ट आप बचा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है ईंट, तो लाल ईंट की जगह में इस ईंट का प्रयोग नीचे की तरफ किया गया। हालांकि ऊपर की तरफ आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टर करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको कॉलम और बीम के ऊपर इसका ज़्यादा वजन नहीं देना चाहिए, इसीलिए इसे इसका जो इस्तेमाल है वो नीचे की तरफ किया जाता है। तो इस ढंग से इसमें इस घर को बनाया जा रहा है। इस घर में जो कॉलम लगा हुआ है, भले ही आपको यहाँ से एक साइज में पूरा कॉलम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दो तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो आप कॉलम देख रहे हो ये 10 इंची x 10 इंची का है, ये सारा कॉलम इधर देख सकते हो, लेकिन ये जो कॉलम है ये 9 इंची x 12 इंची का है। देखिए 9 इंची x 12 इंची का कॉलम है, इसमें 6 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। वही जो कॉलम यहाँ पर लगाया गया है 10 इंची x 10 इंची वाला, ये देख सकते हो इसमें 4 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है, इसे आसानी के साथ आप देख सकते हो। उसके साथ साथ ये जो कॉर्नर वाला कॉलम देख रहे हो उसमें भी लगाया गया है 6 सरिया और 9 इंची x 12 इंची का कॉलम यहाँ पे लगाया गया है। टोटल 9 इंची x 12 इंची के कॉलम की बात करें तो 1, 2 उसके साथ साथ 3, टोटल 9 इंची x 12 इंची का 3 कॉलम, उसके साथ साथ जो और टोटल कॉलम है वो 10 इंची x 10 इंची का यहाँ पर लगाया गया है। 3, 5, 6, 7, 10 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है, जिसमें 7 कॉलम 9 इंची x 9 इंची का है और जो हमारा 3 कॉलम है वो 9 इंची x 12 इंची के आसपास का साइज में रखा गया है। 9 इंची x 9 इंची भी आप इससे बोल सकते हो, 10 इंची x 10 इंची भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी ये 9 इंची x 9 इंची का है, तो प्लास्टर के पास 10 से 10.5 इंची के आसपास में इसका साइज है वो हो जाता है। तो इस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। बात कर ले इस घर का जो बीम है उसका, तो चलिए मैं आपको नज़दीक से ही ले जाकर दिखा देता हूँ ताकि आप सारा चीज़ें वो अच्छे तरीके से समझ पाए। तो देखिए यहाँ जो बीम लगाया गया है उसे भी 10 इंची x 10 इंची का ही लगाया गया है, उसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का, आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हो। हालांकि इसका जो बाउंड्री वाला है वहाँ पे यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा बीम दिया जाने वाला है, तो जो घर का काम है वो वहीं तक किया गया है। तो देखिए इस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है और जो रोड का लेवल है उसका भी यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। देखिए तो यहाँ से जो रोड गया हुआ है, जो रोड यहाँ से गुजरा हुआ है उसे 2 से 2.5 फीट के आसपास में इसके ऊंचा रखा गया, तो कभी भी जब आपका रोड गुजरता है अगल बगल से तो आपको वहाँ से 2 से 3 फीट के आसपास में आपका घर को ऊँचा रखना चाहिए। इस ढंग से इस घर का काम है वो किया जा रहा है और जो इसका मिट्टी का भराई है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कम्प्लीट कर लिया गया है। ये देख सकते हो मिट्टी का भराई इसमें
किया गया है। बहुत सारे लोग घर में बालू भी डलवाते हैं या फिर जो डस्ट होता है उसका भी प्रयोग भी करते हैं, लेकिन जो डस्ट और जो बालू होता है वो थोड़ा महंगा होता है, उसके अपेक्षा आपको जो मिट्टी है वो सस्ता होता है, आसानी के साथ अवेलेबल रहता है, इसलिए लोग मिट्टी का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं अपने घर का फर्श को भरने में। तो इस तरीके से कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ पे किस तरीके से कॉलम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से वहाँ तक की दूरी 25 फीट है, इतना दूरी में तीन को कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको 12 से 13 फीट के आसपास जो दूरी होगा वहाँ तक आपको 10 इंची बाय 10 इंची का जो कॉलम है उसमें भी काम आपका चल सकता है, इसलिए यहाँ पे काम को चला लिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो लगभग 14 से 15 फीट का यहाँ पे दूरी हो जा रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देख सकते हो स्पेन बड़ा है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए यहाँ पे जो कॉलम है उसे 9 इंच में 12 इंच का रखा गया है, यहाँ पे भी 9 इंच में 12 इंच का रखा गया है, सरिया को भी बढ़ाया गया है 12 mm का 6 सरिया का इस्तेमाल इस दोनों कॉलम में किया गया, जबकि जो नज़दीक कॉलम लगाया गया है वहाँ पे 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट वर्क करते हुए जो अपना घर का खर्चा है उसे भी आप कम कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपका कमी आ सकता है। तो इस तरीके से आप काम आसानी के साथ अपने घर के लिए आप करवा सकते हो और इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। हालांकि इसका कॉलम जो कास्टिंग है कहीं कहीं पे हनीकॉम आ गया है, जो कि लाजमी है, थोड़ा बहुत आ जाता है ये देख सकते हो, लेकिन और ज़्यादा जगह आप देखोगे तो कॉलम का लगभग फिनिशिंग है वो अच्छा यहाँ पर कहा जाएगा। इस तरीके से इसका कास्टिंग है वो किया जा रहा है, काम आप देख चुके हो। प्रत्येक जो 10 इंच पर उसमें 4 सरिया का प्रयोग किया जा रहा है, देख सकते हो 1, 2, 3 उसके साथ साथ 4 और ये जो रिंग है वो 8 mm का रिंग का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सरिया यहाँ पे ये जो कॉलम में लगाया गया मेन बार वो 12 mm का लगाया गया है। तो इस ढंग से इस घर का काम है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए जो यहाँ पे अब तक दीवार का जुराई का काम हुआ है, आप इसे ध्यान से समझिए, सिर्फ बाहर वाला जो दीवार है उसका ही कास्टिंग यहाँ पे किया गया है, जो जुराई है वो सॉरी इसका जुराई किया गया है, ब्रिकवर्क है जो बोल्डर से जुराई किया गया है, बोल्डर वर्क उसे सिर्फ बाहर से किया गया है, देख सकते हो इस तरीके से बाहर से सिर्फ किया गया है, जो अंदर का बीम है उसके नीचे में इस तरीके से कुछ भी काम आपको यहाँ पर नहीं मिलता है देखने को। देखिए मिट्टी भरने के बाद में सिर्फ एक रद्दा का यहाँ पे जो जुराई है उसे करने के बाद में जो बीम है उसका कास्टिंग कर लिया गया है, कुछ इस ढंग से आप चारों तरफ से देख सकते हो जो अंदर वाला दीवार है, लेकिन जो बाहर से दीवार है वहाँ पे जहाँ पे मिट्टी बाहर की तरफ जा सकता है वहाँ पे देख सकते हो कि जुराई का काम किया गया है। तो इस ढंग से इस घर को बनाया जा रहा है। बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक कितना हज़ार का खर्चा आया है, कितना लाख का खर्चा आया है, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 2,60,000 रुपये के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जबकि देखा कि इस तरीका से जो बोल्डर है इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है और एक बोल्डर का कीमत हमारे यहाँ 4.5 से 5 रुपये के बीच आसानी के साथ ही मिल जाता है। ये जो पत्थर होता है उसका ये छोटा छोटा टुकड़ा है, आप देख सकते हो जो बाहर से निकलने वाला पत्थर होता है उसका काम यहाँ पे किया गया है। जहाँ पे इस घर को बनाया जा रहा है सीमेंट का एक बैग का कीमत 350 के आसपास में है और एक टर्बो बालू का जो कीमत है उसका कीमत लगभग 4,500 रुपये आसपास में एक टर्बो आसानी के साथ मिल जाता है बालू। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोग को दिया जाए, घर बनाने से संबंधित वीडियो दिखाया जाए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर घर बनाने से जो संबंधित वीडियो है वो मिल रहा है और मिलता ही रहेगा, ऐसा ही आप आशीर्वाद बनाए रखिए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।